श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं मोहन कार्की। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ में अपन रेडियो अपन बात। साथियों, मेरे साथ में हैं पुष्पलता रावत जी, जो कि रूम टू रेट की स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। जैसा कि आप सभी रूम टू रेट नाम से पहले से वाकिफ हैं, हमने पहले भी रूम टू रेट द्वारा तैयार कार्यक्रम प्रसारित किए हैं और इसी क्रम में हम आगे भी रूम टू रेट द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम, जो कि बालिकाओं की बेहतरी के लिए तैयार किए गए हैं, उस श्रृंखलाओं को भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आज पुष्पलता रावत जी से बात करेंगे। तो मैम, कुमाऊवाणी रेडियो में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद काकी जी। और कुमाऊवाणी के साथ लगभग एक साल होता है काम करते हुए, और ये बहुत बहुत धन्यवाद रूम के बीच की तरफ से कि आपने उन कार्यक्रमों को जगह दी और ये बातचीत का अवसर दिया। धन्यवाद पूरी कुमाऊवाणी टीम को रूम के बीच की तरफ। और शुरुआत करते हैं मैम आज की बातचीत का, और बातचीत की शुरुआत में आपसे जानना चाहते हैं कि COVID-19 महामारी के संक्रमण काल में बच्चों के अधिकार कैसे प्रभावित हुए हैं, अगर हम देखें तो विशेषकर बालिकाओं के अधिकार। कोविड वाला जो समय था, ये हम सभी के लिए एकदम एक नया सा था। ना तो इस के बारे में कभी सुना था, कैसे इससे बचा जाए, किस तरह से ये हमारी जिंदगियों में प्रभाव डालेगा, शायद ये एक अनजान सी समय था। बिल्कुल। और ये अनजान था, कई मायने में बहुत डरावना भी था। तो इसका जो है एक इम्पैक्ट अगर आप देखें तो जो हमारे एडोलेसेंट बच्चे होते हैं उन पे सबसे ज्यादा पड़ता सभी पे है, बट ये वो वाले बच्चे होते हैं जो अभी जो है ना तो बच्चे हैं ना वो बड़े हैं। तो इस समय पर उनके मन में कई सारे, जो हम लोगों के भी अपने अनुभव से काम करते हुए, तो इन बच्चों के अंदर कई तरह का था कि एक अनसर्टेनिटी है, आगे क्या होगा, स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे। और इस चीज को जब हम बालिकाओं के संदर्भ में देखते हैं तो वहां पर एक स्थिति बहुत अलग तरीके से नजर आती है। अच्छा। जैसे अगर हम अपना सामाजिक परिवेश देखें तो लड़कियों से अमूमन ये उम्मीद की जाती है घर का काम करें। अब लॉकडाउन की स्थिति आती है, सभी लोग घर पे हैं, तो उसमें बालिकाओं का जो घर में कार्यबोध होता है वो बढ़ता है। अब अगर पहले बच्चियां जब स्कूल जाती थी तो उनका कुछ समय अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए होता था। स्कूल बंद हुए तो ये भी समय नहीं था। अब इसमें कई सारे परिवारों में आर्थिक स्थिति की भी समस्या रही, आर्थिक स्थितियां होती है तो उसके इम्पैक्ट ओवरऑल लोगों की हेल्थ पे पड़ते हैं। और ये हम लोगों का अपना, जब भी हमने देखा है कि अगर आपको कटौती करनी है तो आप कटौती कहाँ पर करेंगे, किसकी एजुकेशन पे करेंगे या किसके स्वास्थ्य पे करेंगे, तो वो हमारे समाज में एक बने बनाए जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा और बढ़ जाते हैं। और कोविड वो समय था जब इस समय पर ड्रॉपआउट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी, और इस तरह की कई स्टडीज भी रही, और जो बातचीतों में अमूमन जिन बच्चों के साथ हम काम करते हैं ये सभी जगह देखने के लिए कि इस महामारी की वजह से जो समस्याएं कहना चाहिए एक स्तर पे थी, उन सभी समस्याओं का स्तर एक और बढ़ गया। तो ये वो समय था, और अभी भी हम उसी ही समय में, हमें तो किसी को शायद उम्मीद नहीं थी इतना। बिल्कुल, अभी भी वही समय। बिल्कुल। अगर हम ड्रॉप आउट की बात करें मैम, तो हो सकता है ड्रॉप आउट रेट में भी बालिकाओं का ज्यादा हो बजाय बालकों के। जी, इस तरह की थी क्योंकि अगर आप देखेंगे, और ये उत्तराखंड में ही, क्योंकि रूम टू ईट का कार्य लगभग 9 राज्यों में है इंडिया के। अच्छा। और बाहर देशों में भी, तो सभी जगह से यह है कि इस समय पे जैसे चाइल्ड मैरिज के इंसिडेंट हो, कई बार ये लगा कि इस समय तो शायद शादी कर देना आपको, आर्थिक रूप से आपका खर्चा कम है, और इस समय क्योंकि पढ़ाई में मतलब फीस तो नहीं लगती, बट एक किसी भी पढ़ाई में और अन्य तरह के खर्चे होते हैं, कॉपी है, स्टेशनरी का है, आवागमन के खर्चे होते हैं, तो आपको लगता है कि इससे चलिए मतलब कितना जरूरी है मतलब लड़कियों की पढ़ाई पे इन्वेस्ट करना, ये सवाल उठने लग जाते हैं। तो इसमें अगर आप कहीं पर भी देखेंगे, ये जितने भी रिसर्च स्टडीज या उसमें सभी में ये चीज आई कि बच्चियों के ड्रॉप आउट होने की संभावना है, और हमने इस तरह के केसेस देखे भी जहाँ बच्चियों को लगा, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी भी थी और पारिवारिक प्रेशर भी था पढ़ाई छूटने का। जी बिल्कुल सही बात आपने कही।
कि पहाड़ी में एक किस्सा है कि दोधारी तलवार में चलना, क्योंकि हमारा समाज का जो नज़रिया है, जो हमारे परंपरागत तौर तरीके हैं, उनमें कहीं ना कहीं बच्चे उन विचारों से भी प्रभावित होते हैं, लेकिन बालिकाओं के संदर्भ में और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। मैम, जीवन कौशल जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से बच्चों के जीवन के लिए या इस कोविड महामारी के दौर में बच्चों को संभालने में सहायक है? इसमें जो जब हम लोग जीवन कौशल की बात करते हैं तो ये कौशल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। एक ये होता है, ये कौशल हम सब में ही मौजूद है, आप में है, मुझ में है। सिर्फ ये होता है कि वो किस स्तर पे है, उनको और हम लोग अगर मौके दें तो वो और बढ़ाए जा सकते हैं। और जब हम जीवन कौशल की बात करते हैं, वो हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं कुछ बड़ा होगा तब हमारे जीवन कौशल काम आते हैं। रोजाना की जिंदगी में छोटे छोटे निर्णयों में ही हम लोग अपने जीवन कौशल का जो होता है, कहीं पे निर्णय लेना, समय का प्रबंधन करना, अपनी बात को बहुत इफेक्टिव तरीके से कह पाना, कहीं पर चीजों को नेगोशिएट कर पाना, तो ये वो जीवन कौशल होते हैं जो अमूमन आपको हर रोज, हर दिन, हर परिस्थितियों में आपको वो इस्तेमाल करने होते हैं। और जब ये कोविड वाली सिचुएशन आती है, ये एक्चुअली आपका टेस्ट होता है हम में से हर किसी का कि हम लोग इन परिस्थितियों में, जो कि एक विषम परिस्थितियां थी, ये नॉर्मल नहीं थी, इन विषम परिस्थितियों में हमने अपने जीवन कौशल का इस्तेमाल किस प्रकार से किया। बिल्कुल, उदाहरण के तौर पे अगर माना कहीं पर किसी घर में निर्णय लिया जाता है कि भाई आगे पढ़ाई नहीं करनी, तो उस बच्ची के अंदर वो कौशल अपनी बातों को एक प्रभावी ढंग से रख पाना, अपनी बात को उन परिवार के बीच में उन्हें मनवा पाना कि क्यों उसके लिए ये पढ़ाई जरूरी है, क्यों उसके लिए शिक्षा जरूरी है, क्यों वो इस पे आगे कंटिन्यू करना चाहती है, तो ये वो जीवन कौशल का ही अपने वो इस्तेमाल कर। इसीलिए हम लोग का हमेशा से फोकस रहा है कि बच्चियों को उनके जीवन कौशल जो उनके साथ सत्र किए जाते हैं उसके माध्यम से बच्चियां अपने उन कौशलों को और विकसित करें, ताकि अपना निर्णय जो वो चाहती हैं खुद से लेना उसको प्रभावी ढंग से ले पाए, आगे बढ़े। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला सवाल है कि हमने फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या कई माध्यमों से बच्चों तक इस कोविड काल में पहुंचने की कोशिश करी, तो एक सवाल है डिजिटल डिवाइस क्या है और इसका बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्मार्टफोन या इंटरनेट सुविधा के अभाव में रेडियो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैसे सहायक हो सकता है, थोड़ा सा इस पर भी आप प्रकाश डालेंगी? तो जैसे जब ये कोविड की शुरुआत हुई तो जैसे हम सभी को पता ही, हम सबके लिए पहली बार कोई चीज इस तरह की घटना हमारी जिंदगी में हो रही थी। सही बात। और उस तरह से यही हुआ कि अब क्या किया जाए, कि मतलब कैसे बच्चों के साथ कंटिन्यू किया जाए। तो दिमाग में सबसे आसान तरीका जो है वो नेट कनेक्टिविटी या स्मार्टफोन वाला रास्ता आता है, जैसे हम लोग आदि हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। जब जो अगर हम लोग अपने सभी बच्चों को अगर पहुंचना चाहे, कुछ सभी के पास पहाड़ों में कई जगह आज की डेट में भी नेट कनेक्टिविटी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। तो जब शुरुआत इससे हुई तो फिर जब आगे बढ़ते गए तो फिर ये देखा गया कि अगर आपको सभी बच्चों तक पहुंचना है, क्योंकि मोबाइल फोन और स्मार्टफोन अगर आप देखें तो औसतन शायद 10-15% शायद इतने ही बच्चों के पास होगा। और अगर डिजिटल डिवाइस की अगर हम बात करें तो अगर घर में स्मार्टफोन होगा तो वो बच्ची के पास कितना होगा, सबसे पहले अभिभावकों का इस्तेमाल उनकी जरूरतों से होगा, फिर बच्ची का नंबर आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये सोचा गया कि ये डिजिटल डिवाइस रहता और किस तरह से, और उसी में जब हम लोगों ने करी तो कम्युनिटी रेडियो हम लोग को एक बहुत ही प्रभावी माध्यम लगा, जिसके माध्यम से हम लोग जो है जीवन कौशल सत्र जैसे अभी कुमाऊं वाणी और जो अन्य कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, तो जो मास मीडिया रहता है जिसमें इंटरनेट की इतनी जरूरत नहीं रहती, और कम्युनिटी रेडियो से एक बेहतरीन उदाहरण था क्योंकि उनका जुड़ाव भी समुदाय के साथ था, वो माध्यम हुए। फिर टीवी वाला माध्यम हुआ, तो यानी कि कुछ के पास अगर इंटरनेट की पहुंच है तो वो करें, नहीं तो फिर ये मास मीडिया के माध्यम से चीजों तक पहुंचा जाए। और सरकार की तरफ से वर्कशीट का भी फिर मैकेनिज्म आया कि अगर माना नेट, फिर उसके बाद मास मीडिया, फिर उसके बाद फिजिकल जो वर्कशीट है वो पहुंचे बच्चों तक, तो सरकार के अपने भी प्रयास रहे उसमें, कुछ जगह सभी संगठनों में भी इससे मदद करी, तो फिजिकली ये चीजें बच्चों तक पहुंच रही है वो भी एक माध्यम थे।
यानी कि अगर बच्चों की शिक्षा को देखें तो कई तरीके से जो है वो प्रक्रियाएं की गई अलग अलग स्तर पे, ताकि कोशिश रहे कि वो हर जगह जो है पहुंचा जाए। और इसी क्रम में जो है जो वर्कशीट का है, कई जगह फोन कॉल्स की बात की, और फोन कॉल्स में जैसे कई सारे हम लोगों ने जीवन कौशल के साथ IVR के मैसेज के थ्रू करे, जिसमें प्री रिकॉर्डेड कॉल्स होती थी जाती थी। तो अगर आपके पास एक साधारण फोन है तो भी आपके साथ जो है जुड़ाव बना रहता है। तो ये कई तरीके से जो डिजिटल डिवाइड है, कोशिश की गई, प्रयास किए गए कि इसको हम लोग पाट पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई और अपना काम करने की जो मनसा थी उसको भी साझा किया, और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आपके साथ मिलकर हम और कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं को भी प्रसारित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।